राधा स्वामी संगठन के बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष शमीम अख्तर मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनसे बात होगी। बताना चाहूँगा कि राधा स्वामी संगठन पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी जाना पहचाना एक नाम हो चुका है, और शमीम अख्तर जो हैं वो पूरे क्षेत्र में आज एक बहुत ही जाने पहचाने नाम के रूप में हैं, लोगों के बीच सक्रिय हैं। बात करते हैं शमीम अख्तर से, लेते हैं इनकी प्रतिक्रिया। शमीम जी, आपका लोकतंत्र भारत और झारखंड टीवी में स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि राधा स्वामी संगठन जो है वो कितना पुराना है, कब इसकी स्थापना हुई और आप इससे कब जुड़े? नमस्कार जोहार। जैसे कि राधा स्वामी संगठन 2010 में इनकी नींव रखी गई है, आज जो दीपक कुमार सिन्हा जी हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में राधा स्वामी संगठन का कार्य सक्रिय है। और हमारे झारखंड के गांडे में हम गांडे और बेंगाबाद का प्रखंड प्रभारी भी हुए, और लगभग 2013 या 14 से हम जुड़े हुए हैं। और आज हजारों बच्चियों के शादी में मेरा सहयोग रह चुका है राधा स्वामी संगठन के माध्यम से। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम चाह रहे हैं कि मेरा जो क्षेत्र है शिक्षा में बहुत पीछे है, और हमारे जो बच्चे हैं उनका आने वाला भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए मैंने शिक्षा का जोत जलाने का कोशिश की है। और प्रत्येक गांव में मैंने एक फ्री ट्यूशन की व्यवस्था की है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं। दो बातें यहाँ पर आपने कही है, एक कि आपकी संस्था जो है वो हज़ारों बच्चियों को उनकी शादी में सहयोग कर रहा है, दूसरा ये कि शिक्षा पर आप प्राइम फोकस रखते हुए पूरे विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग 300 से अधिक जो कोचिंग सेंटर्स है उसको आपकी संस्था ने खोला है और बच्चों को वहाँ पर मुफ्त में शिक्षाएं दी जा रही है। फंडिंग कहाँ से होता है बच्चियों की शादी में जो आप की संस्था सहयोग करती है उसका, और जो कोचिंग सेंटर्स है उसके लिए? देखिए, राधा स्वामी संगठन का लगभग पूरे भारतवर्ष में 30 से 40 करोड़ हमारे सदस्य हैं, और हम प्रत्येक सदस्य से बोलते हैं कि एक दिन एक रुपया नित्य दिन आप डोनेशन दें संगठन को। अगर प्रत्येक दिन एक रुपया भी अगर डोनेशन देता है कोई, तो हमारा 30 से 40 करोड़ एक दिन का फंडिंग है। और यही फंडिंग से हम लोग गरीब बच्चियों के शादी में भी सहयोग करते हैं, पढ़ाई में भी सहयोग करते हैं, और तरह तरह की जो योजना है उसमें राधा स्वामी संगठन का फंडिंग जो आता है डोनेशन से, उससे भी हम लोग लोगों का लाभ देने का कोशिश करते हैं। और बहुत सारे हमारे शॉपिंग मॉल भी है और बहुत सारे बिजनेस भी है, आरएस मोटर का भी हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है, तो ये इन सारी चीज़ों से हमारी फंडिंग होती है। बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स कोचिंग सेंटर में, उनको सैलरी या वेतनमान जो दिया जा रहा है, क्या वो इसी संस्था के सौजन्य से दिया जा रहा है? जी, राधा स्वामी संगठन के माध्यम से ही जितने भी शिक्षकगण हैं शिक्षिकागण हैं उनको सारा सैलरी दिया जा रहा है। और अभी शुरुआत में हमने कोशिश की है कि 3,000 रुपया शुरुआत में दिया जाए, अगर टीचर बढ़िया से पढ़ाती है और मन लगा कर पढ़ाती है और बच्चे अगर बढ़िया से पढ़ पाते हैं तो उनका प्रत्येक साल 10% उनका मानदेय में बढ़ोतरी होगी, और उनका ये परमानेंट जॉब है। ऐसा नहीं कि साल भर 2 साल इसके लिए नहीं, उनको हम लोग ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, वो भी परमानेंट ज्वाइनिंग लेटर है, जब तक वो रहेगी तब तक वो पढ़ाएगी। चर्चाएं इस तरह की हैं कि जागरूक जनता पार्टी की टिकट से आप गांडे विधानसभा चुनाव जो है आगामी विधानसभा चुनाव में गांडे से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, क्योंकि मैंने लोगों के बीच जा के उनके दुख दर्द को समझा और मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ राधा स्वामी संगठन के योजनाओं से लोगों को जो समस्या है वो सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमको राजनीति में आना भी पड़ा, और मजबूरी के तहत भी बोल सकते हैं कि लोगों के दुख हमसे देखा नहीं गया, और मैं चाह रहा हूँ कि लोगों का भला हो हर तरीके से। आज बिना राजनीति में आए हुए हर घर से हम जुड़े हुए हैं, जहाँ तक हो सक रहा है हम लोगों को लाभ दे रहे हैं। आज 22,000 घरों में शिक्षा के लिए 500 रुपया करके हम लोग मातृ पेंशन दे रहे हैं। आज लगभग 1,000 बच्चियों के शादी में लगभग 1,00,000 रुपया नगद और शादी का सारा सामान हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। हर बच्चा बच्ची के शिक्षा के लिए हमने फ्री ट्यूशन की व्यवस्था की है। यानी मुझे बहुत खुशी होती है कि बिना किसी राजनीतिक सहयोग के एक संगठन के माध्यम से जब लोगों के लिए हम इतना कर सकते हैं जो आज तक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं सोच सकता, तो मुझे बहुत खुशी होता है कि
ऊपर वाले ने मुझे इस काम के लिए चुना और लोगों का काम आ रहा हूँ। बीजेपी के जैसी बड़ी और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जेएमएम की जैसी मजबूत क्षेत्रीय पार्टी, क्या इन पार्टियों के बीच आपकी जो पार्टी है जागरूक जनता पार्टी, इस पार्टी की इतनी पहुंच और पैठ है कि आप उन्हें चुनाव में टक्कर दे सकेंगे? देखिए, हमारे पास जो जागरूक जनता पार्टी या राधा स्वामी संगठन की जो पार्टी है वो करके दिखाई है लोगों के लिए, और दूसरे चाहिए बीजेपी बोल लीजिए या कांग्रेस बोल लीजिए या जेएमएम बोल लीजिए, आज देश का आज़ादी का 78 साल के बाद भी हमारे क्षेत्र का किसी तरह का विकास नहीं हो पाया है। हम लोग विकास के लिए वोट मांग रहे हैं, और जो भी राजनीतिक पार्टी है वो सिर्फ मुद्दा लेके वोट मांगती है कि जेएमएम वाला बोलता है कि अगर आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो बीजेपी वाला जीत जाएगा, और जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनको बीजेपी वाले समझाते हैं कि अगर आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो जेएमएम वाला जीत जाएगा। कभी किसी के विकास के लिए, किसी के घर परिवार, किसी के बच्चे के भविष्य के लिए वोट नहीं मांगता है। यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि बीजेपी और जेएमएम, देखा जाए तो दोनों ही मतदाताओं को डराने की राजनीति कर रही है, और डर दिखा कर जो है वो वोट ले रही है, वोट का ध्रुवीकरण कर रही है, जिसको आप खारिज करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप यहाँ एक चीज़ का और जवाब दीजिए कि चुनाव के समय समाज सेवा, सहयोग की जो भावनाएं हैं, सहयोग का जो काम है, वो सब दरकिनार करके एक बहुत बड़ा जो धड़ा है मतदाताओं का, वो कहीं ना कहीं दारू, मुर्गा और कुछ सफल हो पाएंगे मतदाताओं को कि जिस तरह से आपकी सेवा लोगों को मिली है उसी आधार पर आपको बदलाव के तहत वोट भी किया जाए, क्या समझाने में आप सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सर, यहाँ के जो क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं, और सिर्फ क्रिया और प्रतिक्रिया पर बहुत दिनों से सारे लोग वोट कर रहे हैं, और इस बार जो है लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, वो ये सोचकर वोट करेंगे कि उनके लिए अच्छा सोच कौन रहा है, उनके लिए बेहतर कौन कर रहा है। और राधा स्वामी संगठन हर जाति धर्म के लोगों के लिए बेहतर कर रही है, बेहतर सोच रही है, और कुछ अलग करके कुछ उसके आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है, और लोगों को प्यार और उत्साह देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग इस बार जागरूक हैं, और राधा स्वामी संगठन और जागरूक जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और लोग बदलाव चाह भी रहा है, क्योंकि बिना बदलाव का विकास नहीं होगा ये लोगों को पता है। और इस बार चाहे हिंदू समाज के लोग हो या मुस्लिम समाज के लोग हो, पूरा गांडे क्षेत्र के हर एक लोग इस बार बदलाव करेंगे और अपने बच्चों को भविष्य के लिए वोट करेंगे, अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वोट करेंगे, ना कि वो बीजेपी और जेएमएम वाले को हराने के लिए वोट करेंगे। इस बार शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का उत्कृष्ट प्रयास जी, बिल्कुल, और विवाह के लिए जो हमारे गरीब वर्ग की, निर्धन वर्ग की बेटियाँ हैं उनको आर्थिक सहयोग, या इस तरह का जो काम आप लोग कर रहे हैं, क्या इस काम के बदले आपको जनता वोट कर पाएगी ये आपको लगता है? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से लोगों तक बस एक ही सवाल करना चाहूँगा कि आज तक आपने वोट किया, किसी न किसी को वोट किया, क्या कभी वो आपके बच्चों के शिक्षा के लिए जोर दिया, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कभी जोर दिया, या आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कभी जोर दिया, आपको अच्छे स्वास्थ्य का कभी वो मुहैया करवा पाया? आज तक अगर कुछ नहीं कर पाया, और हम बिना जीते जब लोगों को सारा लाभ दे रहे हैं, एक बच्चे का पढ़ाई के लिए हम फोकस कर रहे हैं, एक बच्ची के शादी में हम 4 लाख तक का सहयोग कर रहे हैं, हर महिला को रोज़गार के लिए हम बात कर रहे हैं, हर गरीब आदमी को आवास बना के देने का काम हम कर रहे हैं, आज देख लीजिए आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे गांडे विधानसभा क्षेत्र में ना लड़कियों के लिए बढ़िया कोई कॉलेज है, ना ही अच्छा बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा सुविधा है। तो हम लोग वोट किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ बीजेपी और जेएमएम वाले को हराने के लिए? कभी अब की बार जो वोट करना है हमको, वोट कीजिए या ना कीजिए, उसी को वोट कीजिए जो आपके लिए सोचे, आपके बच्चों के बारे में सोचे, आपके घर परिवार के बारे में सोचे। ये नहीं कि दारू और मुर्गा के लिए अगर वोट कीजिएगा तो आपका जो आने वाले बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में होगा, और ना ही उसको किसी तरह का शिक्षा का मिल पाएगी, ना रोजगार मिल पाएगी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की खेल कूद की प्रतियोगिता हो रही है तो हर जगह राधा स्वामी संगठन और इसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, गिरिडीह विधानसभा की जो प्रत्याशी हैं
या फिर आप को जो युवा हैं वो बुला रहे हैं, आयोजक आपको बुला रहे हैं, आखिर क्या कुछ आप लोगों ने पिला दिया है लोगों के मन मस्तिष्क में, बस एक ही नाम आ रहा है, राधा स्वामी संगठन। देखिए हमारे जो युवा साथी है उनका भरपूर प्यार और सहयोग का मैं धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ गांडी विधानसभा क्षेत्र में पूरा गिरिडीह ज़िले का बात करता हूँ कि हर एक युवा मेरा भाई है, भाई के समान है, और लोगों का सहयोग करने में हमारे जो दोस्त यार है उनका सहयोग करने में मुझे बहुत खुशी होती है। और सारे युवाओं को पता है और सारे युवा हमारे साथ भी हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आज तक ना युवाओं को किसी तरह का सहयोग मिल पाया है, ना ही गरीब परिवार को किसी तरह का सहयोग मिल पाया है। और आज हम हर एक युवा हो, हर एक गरीब वर्ग के लोग हो, मेरे साथ है और हम उनके साथ है। किसी तरह का भी सहयोग होता है तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जो आज तक किसी ने नहीं किया आज लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और युवा जितने भी युवा हैं सारे मेरे साथ हैं, और इस बार जितने भी युवा हैं सब मिलकर कुछ अलग अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, युवा हैं आप और सोच आपकी काफ़ी अच्छी है, सकारात्मक रूप से आप अपने भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आप के विषय में हमारे क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि आपकी अपनी जो शिक्षा है वो क्या है। मेरा शिक्षा MSc किए हुए हैं हम, और अभी तो राधा स्वामी संगठन के प्रखंड अध्यक्ष भी है, और मेरी शिक्षा बीच में बंद कर दिया था और अभी फिर मैं चालू करने का कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से मैं और आगे पढ़ूँ, क्योंकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। बीच में मैं कार्य को लेकर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था और कार्य को दिल से करने के चक्कर में मेरी पढ़ाई कुछ अधूरी रह गई थी, अब फिर मैं आगे पढ़ने का कोशिश कर रहा हूँ। MSc किया है? MSc मेरा फाइनल हो गया। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शमीम अख्तर को आप सुन रहे थे, राधा स्वामी संगठन के बेंगाबाद और गांडे प्रखंड प्रभारी हैं, साथ ही साथ जागरूक जनता पार्टी JJP के टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। गांडे विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, हर तरह का संभव सहयोग लोगों को मिल रहा है इस संगठन के द्वारा और इनके द्वारा, और क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, शिक्षा का प्रसार प्रचार चाहते हैं, हर घर का बच्चा पढ़े, गरीब भी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, गरीब के बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करें, इस बात को लेकर एक मुहिम और एक आंदोलन छेड़ रखा है राधा स्वामी संगठन ने और शमीम अख्तर ने। आज अगर देखा जाए तो बहुत ही कम समय में इन्होंने एक अपनी बहुत ही अच्छी पहचान बना ली है। आज पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र में हर तरफ राधा स्वामी संगठन और इसके जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, विशेष करके अगर गांडे विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो शमीम अख्तर युवा दिलों की धड़कन बने हुए हैं, और युवा तक ही सीमित नहीं बल्कि सभी वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, हर क्षेत्र में चूंकि इनका सहयोग जा रहा है, लोगों तक स्वयं ये पहुंच रहे हैं, इनकी संस्था पहुंच रही है, तो हर क्षेत्र के लोग, हर वर्ग के लोग इनको भरपूर सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, और बदलाव की राजनीति के तहत विकास के मामले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी समझदार है, उचित और अनुचित का फर्क भी जानती है, आगामी विधानसभा चुनाव में सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेगी, और जो उम्मीदवार हैं विभिन्न पार्टियों के उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ और सुयोग्य उम्मीदवार होंगे उन्हीं की उम्मीदवारी में अपना अंतिम मुहर लगाने का भी काम करेगी। बने रहिए हमारे साथ।